नरहरि अमीन पूर्व कांग्रेस नेता, कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल होंगे और कल सुबह नरेंद्र मोदी इसका ऐलान करेंगे। ब्रजेश कुमार सिंह एबीपी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस को ये बड़ा झटका माना जाए ब्रजेश, क्या लेकिन नरहरि अमीन को बीजेपी टिकट देगी, क्योंकि वो तो कांग्रेस से आए इस वजह से हैं क्योंकि उनको वहां टिकट नहीं मिला। देखिए किशोर, इसमें हुआ ये है कि खुद नरहरि अमीन जो है गांधीनगर की एक सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड की तरफ से जो सूची जारी हुई उसमें नरहरि अमीन का नाम नहीं था। उसके बाद ही नरहरि अमीन ने जो सो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू किया था। पहले पार्टी के अंदर उन्होंने जो सो बैठकें की, अपने समर्थकों को जुटाया, फाइनली अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया। उनके साथ करीब आधे दर्जन और जो पीसीसी से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसमें की दो प्रवक्ता थे। उसके बाद ही अटकलें लग रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और आखिरकार अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि नरहरि अमीन कल सुबह जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। जो प्रदेश बीजेपी का मुख्यालय है अहमदाबाद के खानपुर इलाके में, वहां एक रैली की शक्ल में जाएंगे और फिर उसके बाद से वह खानपुर कार्यालय पहुंचेंगे, जहां की खुद राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी के लिए मौजूद होंगे। उनकी मौजूदगी लेकिन अगर पहले चले जाते तो टिकट का फायदा भी मिल जाता, अब तो वो संभव नहीं। जाहिर है नरहरि अमीन के लिए मौका बीजेपी देने को तैयार बैठी थी, क्योंकि जिस दिन दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन था उस दिन एक सीट उनके लिए रखी भी गई थी, लेकिन नरहरि अमीन उस समय तुरंत डिसीजन नहीं ले पाए। उन्होंने अपने पहले समर्थकों के साथ मीटिंग करनी चाहिए, तब उसकी सीट निकल गई। लेकिन नरहरि अमीन को जो सबसे बड़ा फायदा हो सकता है किशोर, जिसमें की उनकी आत्मा बसती है, वो है गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, जिस पर की करीब 2 साल तक उनका कब्जा रहा, जिसको की नरेंद्र मोदी जब अध्यक्ष बने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के, उसके बाद उनकी वहां से विदाई हुई। तो शायद एक बहुत लालच जहां नरहरि अमीन के लिए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में वापसी हो सकती है, वहीं मोदी के लिए जो इस चुनावी मौसम में सबसे बड़ा फायदा कि नरहरि अमीन गुजरात में पटेल समुदाय के बड़े चेहरे हैं, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, तो उनको अपनी तरफ के वो सियासी फायदा जो है मोदी देख रहे हैं, और नरहरि अमीन के लिए उसके सामने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में वापस सक्रिय होने का फायदा।